हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे गरारे की स्टिचिंग करना। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने निकर और घेरे की कटिंग कर ली है। इसको हम अब इस तरीके से खोल देंगे और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये हमारे एक पैर का घेरा है, ये दूसरे पैर का घेरा है। इस तरीके से हमने कपड़े को खोल लेना है और ऊपर की साइड हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। फिर इसको खींचकर हम चुन्नट बनाएंगे। चुन्नट बनाकर फिर हम इसको लगाएंगे। इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई दोनों घेरों में लगा लिया है। अब इसकी हम चुन्नटें बनाएंगे। इस तरीके से हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसमें से आपस में दोनों धागों को अलग कर लेना है। हम इस तरीके से एक धागे को पकड़ लेंगे और दूसरे धागे को छोड़ देंगे और ऐसे हल्के हाथों से खींच के चुन्नटें बनाएंगे। हमने इसी तरीके से दोनों पार्ट्स की चुन्नटें बना ली हैं। इस तरीके से चुन्नट बनाना बहुत ही आसान और एक बराबर चुन्नट बनती हैं, कम या ज़्यादा नहीं। चुन्नट को हमें जो इसके नीचे के पार्ट की ऊपर की मोहरी है बिल्कुल उसके नाप की बनानी है। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल उसके माप की बनी हुई है हमारी चुन्नट। अब इसको इसके ऊपर रखकर इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा एक पैर का तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पैर का भी तैयार कर लिया है चुन्नट बनाकर। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल मिलाकर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, इन दोनों को हमने मिलाकर ऊपर से रख दिया है। ये दोनों पार्ट से हो गए हैं। इन दोनों को मिलाकर हम आसन पर एक ही साइड सिलाई लगाएंगे और हम पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हम नेफा यानी इलास्टिक डालने के लिए पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। जितनी हमारी कमर है हम उस हिसाब से इलास्टिक ले लेंगे और पिन की मदद से हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरीके से हमने इलास्टिक डाल दी है और दोनों कोनों पे अब हम सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक अंदर ना जाए। हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है, अब हम बीच में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी इलास्टिक बीच में से फोल्ड ना हो। हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लेना है और दूसरे साइड के आसन पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से हमने पहले वाले आसन पर सिलाई लगानी है सेम उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसे खोल लेनी है और अब इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इसको हम पूरे में सिलाई लगा देंगे और इसकी फिटिंग कर देंगे। ये सरारा सिलकर पूरा तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।